हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यू केयर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी, जिनकी मदद से आप घर बैठे ही सिर्फ एक मिनट के अंदर अपने कान में जमे पुराने से पुराने मैल को पूरी तरीके से बाहर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, रेमेडी को जानने से पहले मैं आपको यहाँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आपके कान में जो मैल होता है, जो वैक्स बनती है फ्रेंड्स, वो बनती है आपके कान को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए, आपके कान में नमी बनाए रखने के लिए, आपके कान में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया ना पनपे, जिसकी वजह से आपके कान में बनती है वैक्स। लेकिन फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है, आपके कान में मैल यानी कि वैक्स सामान्य रूप से न बनके असामान्य रूप से बनने लगती है, यानी कि ज्यादा बनने लगती है, जिसकी वजह से होता है आपके कान में दर्द, आपको कम सुनाई देने लगता है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित भी हो सकता है। ऐसे में कुछ लोग गलतियां करते हैं कि माचिस की तिलियां यूज करने लगते हैं, नुकीली चीजों का इस्तेमाल करके कान के मैल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत होता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, बच्चों को भी ऐसी गलती ना करने दें। आज की वीडियो में दो रेमेडी बताने वाली हूँ एंड सेकेंड रेमेडी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाली है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले और जिससे आप घर बैठे ही अपने कान के मैल को साफ कर सकें और किसी भी तरीके की खतरे से आप जो है दूर रह सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहली रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा। जी हाँ फ्रेंड, बेकिंग सोडा आपके कान के मैल को पूरी तरीके से साफ करने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम यहाँ ले रहे हैं एक चम्मच बेकिंग सोडा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको डालना है एक चम्मच पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, एक चम्मच पानी डालेंगे आप। जो बेकिंग सोडा होता है, ये जो है मैल को फुलाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड, इस तरीके से आपको इसको बनाना है, थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा इसका जो है घोल बनाना है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेनी है कॉटन, कॉटन में आपको बेकिंग सोडा को डिप करना है और आपको इसकी एक एक बूंद अपने दोनों कानों में डाल लेनी है। आपके जिस भी कान में मैल है आप उसमें भी डाल सकते हैं, और आपको रात भर इसे ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे तो आपके कान का जितना भी मैल होगा वो फूल के ऊपर आ जाएगा और इस कॉटन पे आ जाएगा, और आप बिना किसी तिल्ली के, बिना किसी नुकीली चीज के इसी कॉटन के थ्रू अपना सारा मैल बिल्कुल ही बाहर कर पाएंगे। फ्रेंड, अब बात करते हैं सेकेंड रेमेडी की, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके लिए फ्रेंड आपको चाहिए सरसों का तेल। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड, ये है सरसों का तेल, देख लिया आपने। एंड मैं आपको बता दूं, आप सरसों के तेल की जगह पे यहाँ पे जो है जो ऑलिव ऑयल होता है, फिगारो का ऑयल, वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, सरसों का या फिगारो का। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप यूज कर रहे हैं आपको ऑयल को हल्का गुनगुना जरूर करना है, यानी कि गर्म जरूर करना है। तो मैंने बात करते हैं आपको इसे कैसे यूज करना है, मैं आपको बता दूं। आपको लेनी है ये कॉटन, कॉटन को इसमें आपको डिप करना है, और आपको आपके जिस भी कान में मैल ज्यादा है या दर्द हो रहा है उसमें आपको दो दो ड्रॉप इसकी जो है सरसों के तेल की अपने कान में डाल देनी है। डाल देंगे सुबह आपको, मतलब आपको पूरी रात छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे तो जितना भी मैल होगा आपके कान में, जितनी भी गंदगी होगी वो पूरी ऊपर फूल के आ चुकी होगी, सारी आपको इस कॉटन पे दिखाई देगी। तो देखा आपने किस तरीके से इजिली आप कान के मैल को साफ कर सकते हैं, वो भी घर की चीजों से ही। तो आपको विश्वास नहीं है, आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक